सो हाई गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज है हमारे घर में एनिवर्सरी मम्मी पापा की, लेकिन पापा गायब हैं। पापा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, वो घर पे नहीं आए हैं क्योंकि यहाँ पे अलग पार्टी चल रही है, एकदम डिफरेंट। अब देखना है इनके नाटक। बिना बुलाए, ये बिना बुलाए और ऐसे ही आएंगे। क्या खाने आई हो, क्यों आई हो, ये बताओ क्यों आई हो, क्यों आई हो? क्योंकि आज आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। इधर देख के बोलो, शर्मा क्यों रही है? सेलिब्रेट करने आई हूँ। खुद से भी बोल लेगी कुछ क्या? बुआ बता रही है, बुआ जो बुआ बोलेगी मैं वही बोलूंगी। ये देखो, ये इनकी मम्मी जी हैं, जो किसी काम की नहीं है। शिवी बोलो, किसी को ना पार्टी देनी ना, कभी कहती बिन बुलाया आ जाओ हर जगह। हाँ तो क्यों करेंगे हम पार्टी? हम तो पार्टी नहीं कर रहे। हमने पार्टी करी कोई? तुझे बुलाया हमने? तो बिन बुलाया आई हूं। आए अपने आप, वहां के पता चला सरप्राइज सांभर डोसा है। और तुमसे तो फिर भी जा रही हूं, तुमसे तो फिर भी बढ़िया है। सुन, अभी पीछे रह गए। सुन, तुमसे तो फिर भी बढ़िया, छोले भटूरे तो ना बनाया कम से कम हमने। आई बड़ी चल के हर बात में छोले भटूरे पूरी सब्जी। ओ मेरी मम्मी को ऐसे मत बोलो, मेरी मम्मी को ऐसे मत बोलो। चलो भागो भागो यहाँ से, पार्टी करूंगी बड़ी जब। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अपने आरसी बुआ की एनिवर्सरी है गाइस। आपने ऐसी एनिवर्सरी कहीं नहीं देखी। हल्ला मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्ला जिसे कहते हैं। गाइज, आपने ऐसी एनिवर्सरी कहीं नहीं देखी होगी जहाँ पे औरत अकेले केक काट रही है। इनके हस्बैंड ने अलग केक काटा, इन्होंने अलग केक काटा है। डिस्टेंस एनिवर्सरी बन रही है, हिस्ट्री में पहली बार। अभी कॉल पे आ गए गाइज। गाइज, इस परिवार में हल्ला बहुत होता है, बहुत ज्यादा हल्ला। यार इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? आराम से बात कर लो। क्या हुआ? आवाज काट दी सारे। कहाँ से काट दूँ? तेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे कि आपने अपनी मम्मी को रेडी नहीं किया। नहीं, हमारे ऐसी मनती है। आपके पापा की मीटिंग है क्या? मेरे पापा की पार्टी चल रही है अलग। केक का फोटो भी भेज दिया। तो पापा किसी और के साथ तो नहीं एनिवर्सरी मना रहे? हाँ, दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? तुझे कहाँ फॉलो करे? रोड पे? वो तो हम मजाक कर रहे हैं। अब तुम्हें बना ले भाई, अब तो बड़ा हो गया, देखिए सब बना लगो भैया। और क्या, तो मम्मी कुनबे कुनबे में खेल लो अब। तो तुम मम्मियों के मम्मी की साइड हो जा रहे। तीनों बच्चे एनिवर्सरी मम्मी की मना रहे, पापा किसी और के साथ मना रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तुम्हारी मम्मी की साइड पूरा परिवार है। हाँ, ये हमारी मम्मी के फेवर में है सारे लोग। अरे भैया, नीचे की सलवार तो चेंज कर लेती कम से कम। गाइज, यहाँ पे हर चीज फॉर्मेलिटी में होती है, बस दिए नाम मात्र के लिए। क्या हैप्पी बर्थडे बजाएगी क्या? पति का पूछना ना कहाँ पड़ी है, मैं पति पति कर रही है। मैं उन्हें बोला अपना केक नहीं कट करूंगी, ये मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, पति कह रहा मेरे पे इतना टाइम ना लग सकता है। इतनी प्रतिज्ञा इसमें ले ली होती कि जब तक सामने नहीं आओगे तब तक नहीं काटूंगी, तो यही बैठे होते फिर। मैं चाहती हूँ वो इस आजादी को जिए। वीडियो कॉलिंग कर। भाभी के बारे में ऐसे मत बोलना आगे से, ठीक है? बदतमीज। व्लॉग में आदर्श परिवार होना चाहिए। हेलो, कंजर नहीं। तुम तो काट के बैठ गए। इसके हाथ बंधवा दिए बीहू की तरह पीछे। नहीं आगे, हाय है। डैडी, आर्मी में अटैक तो नहीं हो रहा वहाँ पे? अटैक पे तो नहीं जा रहे हो? गोली चला रहे, गोली चलाने तो नहीं जा रहे हो कहीं बॉर्डर की तरह? ले बात करवा दी इसकी। काटो, चलो मामी केक काटो। मम्मी चम्मच से नहीं, उससे खिला दे, चाकू से काटो। चलो पागल है, इसका चेकअप करवाओ खाली। शिवी तो मुंह खोल गई बैठी है तब से। ले बेटे, पूरा नहीं खाना होता बेटे। तू पीछे हो ना, तू आगे क्यों है? इसको भी खिला दो।
और जेरी कहाँ है मेरी? जेरी आ जाओ बेटा। ओ जेरी तो वो बेटी इसकी चम्मच का झूठा नहीं खाऊं मैं। इसके वो हो रहा है वायरल। आप चम्मच बदल ले, आप चम्मच बदल ले बिल्कुल। इधर देखो फोटो खिंचा लो। ए नीचे को बैठिए। बैठो सब बैठो सब बैठो। मैं इसकी तो वैसे भी कालजा जल रहा है, मेरे जिगर में बहुत आग लग रही है, जला पड़ा। इस फैमिली में सिर्फ डोसा और चाउमीन पसंद है। हमारे भाभी इतनी अच्छी है ना, बहुत। भाभी शक्ल दिखाओ एक बार, दुनिया को भी तो पता चले। देखो एक तो पटोला है सबसे बड़ी बात है, और एक काम बहुत करते हैं, नंदो को बिल्कुल नहीं करने देती काम। बड़ी वाली प्लेट रानी बना के रखती है, हमें रानी पागल समझ के इतना बटर मत लगाओ। रानी बना के रखती, वैसे मैं क्या नानी रानी रानी बना के रखती हमें। बुआ जी, हाँ जी, तुमने अपनी भाभी पसंद करी थी? हाँ जी। है तुम ही करके लाई थी ना? हाँ, मैं ही लाई। तो तुमने क्या देखा था जो तुम्हें पसंद आ गई थी? ऐसी सुतरी है मेरी भाभी, है मैं ऐसी सुंदर भाभी देख के लाई। सुंदर ना, इतने इतने गुण करे इसने आके। क्या गुण करे? इतने गुण करे हैं, भतीजे भतीजे दिए हमें, क्या सोने सोने हमारा पूरा परिवार निभाया है। भतीजे भतीजे तुम्हारे जेरी भी कर दे कोई बड़ी। जेरी ऐसे न करने की, तो तुम्हें इसलिए की सेवा करी है। नहीं, जब तुम लेके आई थी तब तुम्हें थोड़ा ना पता था कैसी निकलेगी। गुण कैसे, इसके गुण पता है मुझे। तुमने बड़े बुआ जी गुण देख लिए। निकल नहीं मैंने, जेरी की बात होती, जेरी आ गई। पसंद भी यही करका। क्या कहना चाहेंगी? यार बढ़िया है मामी हमारी, और क्या, इकलौती है। तो मामी बनिया। आप बताओ आप क्या कहोगे? बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट। आप क्या कहना चाहोगी आपकी इकलौती मामी के बारे में? दीदी को दो चम्मच एक्स्ट्रा चाउमीन देना, ठीक है? दीदी को दो चम्मच एक्स्ट्रा चाउमीन। लब्बू तू बता, तुझे सबसे ज्यादा कौन पीटता है? मामी पीटती है, और बड़े को अपने तो अपने होते हैं, बस इसलिए तो पीट लेता है। इसे भी ढाई चम्मच एक्स्ट्रा चाउमीन। ये तो जबरदस्ती वाली बात है, इसे डोसा भी दे देना आधा। दो ही शब्द बोले, बहुत अच्छी कॉपी हो गई। बहुत अच्छी है, अच्छी तो हमें पता है। भाभी आपके कहने चाहोगी, सही सही बताना कि तुम्हें मामी कैसी लगती है? मामी अच्छी लगती है। अच्छी क्यों लगती है? पर ऐसे ही बस। सच बताओ भाभी, कौन सा यहाँ कोई ना सुन रहा। मुझे पता है, मुझे अच्छी लगती है। और मामी अच्छी हो या ना बुरी हो, हम कौन सा पीछा छोड़ रहे हैं? बुरी हो के भी हमारा क्या बिगाड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगी, मामी कैसी लगती है आपको? वैसे आप तो क्या ही कहेंगी, हर मिनट पर फोन खटकाने वाली औरत। यस, बताओ फिर भी कैसी लगती है? इधर देख के बता। सपोर्टिव करती है क्या? सपोर्टिव। अब अच्छी ना भी होगी तो कौन सा कहना पड़ेगा मैं ब्लॉग में, क्योंकि फिर देखेंगे तो फिर। अब देखो, अब देखो, ये तो मैं जरूर डालूंगी, चाहे कुछ डालू या ना डालू। पता है ये क्या कह रही है? पता है इसने क्या कहा? यूँ कह रही, हमें कहना तो पड़ेगा। बहुत अच्छी है मामी, हमें सपोर्ट बहुत करती है। कह रही कैसे करती है? मैंने कहा देखो मामी, हो या ना हो अच्छी, हमें ब्लॉग में कहना पड़ेगा, नहीं पिटेगी। देखो देखो क्या देखो, ये हम बहुत पुरानी दुकान से लेके आए। भिजवा दिया, जा धन्यवाद। तमीज कहीं का, मैं तो पहली बार खाई है वहां की। मैंने भी पहली बार, मैंने खाया, मैं ही पहला हूं। वो अच्छा था पुराना, उस पर लिखा हुआ था राजनगर की सबसे पुरानी दुकान। सही है, ठीक है, चटक है ना, बढ़िया लग रही, चटक मटक एकदम। ये लोग बिना डांस करे ही जा रहे हैं, और कुछ लोग यहीं पे रुक रहे हैं मूवी नाइट के लिए। अब हमारी मूवी नाइट है। यार जेरी को देखो, जैसा हुई हुई तो मैंने ना, फिर तुम
मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे इतना सुंदर पति मिला, सुशील शरीफ बोला। क्या कह रही हो, शरीफ की जगह कुछ और सुना दिया। आपको खिलाऊंगी, डैडी काट देंगे इस बार। मैं केक खाती नहीं हूँ। हाँ मैंने तो काट, तुमने काट दिया, मैं तो हाथ लगा दूंगी। ये हेलमेट भी आ गए, कोई बात नहीं, हेलमेट हमारे हैं। एनिवर्सरी अगेन, 30 साल हो गए आप लोगों को इकट्ठे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी। पूछो कैसी रही है, अभी पूछेंगे कितनी जल्दी 30 साल निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसे चुटकी ऐसे वो मामी से पूछो। तेरे मामी को देखा नहीं था। अच्छा तुम्हारा सफर कैसा रहा हमारे? हाँ। अच्छा रहा, ये मेरी जिंदगी में आई, मैं बहुत खुश हूँ। इसने इसने जो पूरे परिवार को संभाला, इसके चरण छोड़ने की बात हो तो मैं छूता हूँ। बस मैं यही चाहती थी, आप यही कहो है ना मम्मी? वो तो ही रोज करते हैं। मम्मी सुनाने से बस एक ही पॉइंट बोल रहे हैं। अब आए मैं मुद्दे। अपना एक्सपीरियंस। मेरा तो एक्सपीरियंस क्या बताऊँ आरुषि तुझे? मैं तो टोकरा डोड़ होके इनके परिवार को संभाले रखा और मुझे ये मिले, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं कभी नहीं रोऊंगी। आप जैसा जहाँ मुझे पति मिला हो तो मैं क्यों रोऊंगी? मेरी ऐसी अच्छी औलाद मिली हो तो मैं क्यों रोऊंगी? ऐसा कुनबा मिला हो? हाँ, परिवार मुझे बहुत अच्छा मिला, इस चीज में मैं बहुत लकी रही। मुझे ससुराल जैसा परिवार जैसा मैंने देखा है। जेरी को भी मिलवा लो, वो भी आ जाएगी। तू और मैं जो हमेशा साथ रहे, बस जब तक है साथ रहे, बस जब तक है। जा जाने जा,